भाई मसला पैसों का है, 1.5 से 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब दूसरे काम से इतना पैसा निकालना पॉसिबल नहीं है। अब बस एक ही काम हो सकता है कि मैं तुम्हारी दुकान बेच दूं और फारिया का नंबर क्यों ऑफ है? आप क्यों परेशान हैं? आपने मुझे बताया नहीं। वो कारोबारी परेशानी है, आज बहुत नुकसान हुआ मेरा। वो कैसे? मेरी बेध्यानी की वजह से, मैं सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर गया। ओह, तो अब क्या करेंगे आप? वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, जबकि ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय इसके के मैं पैसा इन्वेस्ट करूं और जल्दी कंसाइनमेंट कंप्लीट करके डिलीवर करूं और नुकसान से बच सकूं। तो फिर आप यही कीजिए ना। अरे भाई मसला पैसों का है, 1.5 से 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब दूसरे काम से इतना पैसा निकालना पॉसिबल नहीं है। अब बस एक ही काम हो सकता है कि मैं तुम्हारी दुकान बेच दूं और अभी परेशानी में क्या सोच रहा हूँ, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। आप दुकान बेच दें और नुकसान होने से बचा लें। क्या हो गया तुम्हें? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। ऐसे बड़े अफसोस की बात है, ये आपके और मेरे दरमियान तफरीक कब से हो गई? आप मेरे आराम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मेरे घर वालों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं, तो क्या मैं आपकी परेशानी दूर नहीं कर सकती? बताएं। अरे बाप, बात को समझने की कोशिश करो। बस अब हम बहस नहीं करेंगे, मैं आपकी हमेशा बात मानती हूँ ना, आपको भी मेरी ये बात माननी है। बस चलो सोचते हैं इस बारे में। वैसे खाला की तबीयत कैसी है, मिला है उनसे अभी? अभी तो काफी रात हो गई है, हम कल चलेंगे। और वैसे भी रमशा से मेरी बात हो गई थी, वो बता रही थी कि अम्मी बिल्कुल ठीक हैं। चलो शुक्र है, मैं कल सुबह डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का कुछ करता हूँ। चाय बना दोगी? सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ जरूर, अभी अभी बना के लाती हूँ।